रहमान इब्राहिम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हमने ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में पढ़ा था। आज हम बात करेंगे हमारे स्केलेटल सिस्टम के बारे में। पेज नंबर 5 पर है आपका स्केलेटल सिस्टम। इमेजिन करें बेटा कि अगर आपकी बॉडी के अंदर बोन्स ना हो तो आपकी जो बॉडी है वो एक जो है वो कपड़े की मानिंद होगी, जिसके अंदर कोई शेप, कोई उसका स्ट्रक्चर या स्ट्रेंथ वगैरह कुछ भी नहीं होगी। इवन आप अगर आपकी बॉडी के अंदर बोन्स नहीं होंगी तो आप चल नहीं सकते, भाग नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, इवन आप कोई भी गेम वगैरह भी ना खेल सकते हो ना एंजॉय कर सकते हो। जैसे हमारा कॉमन से गेम्स हैं, फुटबॉल है, क्रिकेट है, हम ये भी नहीं खेल सकते या किसी भी किस्म की हम मूवमेंट जो है वो नहीं कर सकते। स्केलेटन सिस्टम जो है उसकी डेफिनेशन देखें, ऑल दी बोन्स टूगेदर मेक अप दी स्केलेटन। तमाम जो बोन्स होती हैं मिलकर हमारा स्केलेटन बनाती हैं। स्केलेटन जो है वो उन तमाम जानवरों या इंसानों के अंदर पाया जाता है जिनके अंदर बैकबोन होती है। ठीक है, मतलब वर्टिब्रेट्स एनिमल्स जो होते हैं या लिविंग थिंग्स जो होती हैं उनके अंदर स्केलेटन होता है। स्केलेटन जो होता है वो एक फ्रेमवर्क होता है बोन्स का, जो हमारी बॉडी को क्या क्या या किस तरीके से हेल्प करता है उनके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, आपका स्केलेटन सिस्टम जो होता है वो आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। सेकंड नंबर पर आपकी बॉडी को वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है। लेट सपोज कि आपकी बॉडी के अंदर ये देखें, ये आपकी जो है वो बैकबोन या इसको आप स्पाइन जो है ये भी कहते हो, ये आपकी बॉडी को जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करती है, आप जिसकी मदद से खड़े हो सकते हो, चल सकते हो। थर्ड नंबर पर आएगा आपकी बॉडी को आपका स्केलेटन सिस्टम जो है वो शेप प्रोवाइड करता है। फोर्थ नंबर पर आपकी जो इनर ऑर्गन्स हैं जो इंटरनली काम कर रहे हैं, जैसे आपके लंग्स हैं, हार्ट है, ब्रेन है, इन सबको आपका स्केलेटल सिस्टम जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। आपके ब्रेन को आपकी स्कल जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, रिब के जो है वो आपके हार्ट और लंग्स को जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसी तरीके से बाकी जो हमारे इनर ऑर्गन्स हैं उनको हमारा स्केलेटल सिस्टम जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। लास्ट वन इज कि आपकी बॉडी को मूवमेंट में हेल्प देता है। ये जो है हमारे स्केलेटल सिस्टम के फंक्शन से जो हमारा स्केलेटल सिस्टम करता है। आगे हम बात करते हैं व्हाट द स्केलेटल सिस्टम इज मेड ऑफ, कि हमारा स्केलेटल सिस्टम जो है वो किन किन चीजों पर डिपेंड करता है या उसमें क्या क्या होता है। हमारे स्केलेटल सिस्टम के अंदर बोन्स और जॉइंट्स होते हैं, वो मेन चीजें हैं जो हमारा स्केलेटल सिस्टम को बनाने में मदद करती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जॉइंट्स पे। जॉइंट्स होते हैं वो जगह होती है जहां पर आपकी दो या दो से ज्यादा हड्डियां जो है आपस में जुड़ती हैं टिश्यू की मदद से, और उस टिश्यू को हम कहते हैं लिगामेंट। ठीक है, इसकी डेफिनेशन ये लिखी हुई है, अ जॉइंट इज अ प्लेस इन अ बॉडी वेयर टू और मोर बोन्स मीट विद द हेल्प ऑफ टिश्यू कॉल्ड लिगामेंट। ठीक है, लेगामेंट्स या जॉइंट्स जो होते हैं वो आपकी बॉडी को मूव करने में हेल्प करते हैं, लेकिन सब आपके जॉइंट्स ऐसे नहीं होते जो मूवेबल होते हैं। इसकी एग्जांपल से देखें, आपकी स्कल के जो प्लेट्स होते हैं वो नॉट मूवेबल होते हैं, मतलब वो मूव नहीं करते, वो जहां पर हैं जॉइंट्स वैसे एज इट इज ही रहते हैं। इसके अलावा कुछ आपकी बॉडी के अंदर जॉइंट्स ऐसे होते हैं जो तमाम डायरेक्शंस में मूव करते हैं, उनकी एग्जांपल है आपका शोल्डर जॉइंट और आपका हिप जॉइंट। ठीक है, ये जॉइंट्स इस तरह के होते हैं कि इनकी मदद से आपकी बॉडी या जो बॉडी पार्ट्स हैं वो चारों डायरेक्शंस में मूव कर सकते हैं, और इसके इन जो जॉइंट्स होते हैं इनको हम बॉल या सॉकेट जॉइंट्स कहते हैं। पेज नंबर 6 पर आए, इसके अलावा आपकी बॉडी के अंदर कुछ जॉइंट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव करते हैं, जैसे आपका नी जॉइंट है, मतलब आपके घुटने का जो जॉइंट होता है वो, या आपका एल्बो जॉइंट, आपकी कोहनी का जो जॉइंट होता है आप उसको सिर्फ अपने जो नी है उसको या आप अपनी एल्बो को सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव कर सकते हो, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकते हो। और इस तरह के जो जॉइंट्स होते हैं उनको हम हिंज जॉइंट्स कहते हैं। ये हमारा आज का लेसन था, हमने पढ़ा स्केलेटल सिस्टम और स्केलेटल सिस्टम किस किस पर डिपेंड करता है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। ओके, अल्लाह हाफिज।